और क्या हाल चाल है भाई लोग, सब कुछ बढ़िया। तो 9,909 रुपए अगर आपके जेब में पड़े हुए हैं और आप 10,000 के अंदर अच्छे स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए कुछ है मेरे पास। जी दोस्तों, आज जिस फोन के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो। कीमत सिर्फ 9,909 रुपए, लेकिन स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है। लेकिन 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 वीडियो स्टार्ट करने से पहले खुद के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है जनता को। तो भाई, अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार बता रहे हैं और ये थोपड़ा पहली बार देखा, तो मेरा नाम है दीपू, आप देख रहे हैं मोबाइल्स। चलिए इंट्रो लगाते हैं, लगाइए। तो फोन के डिटेल्स को हम स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग से। यहां पर भी कुछ अलग नहीं करेंगे हम। डिजाइन आप यहां पर फोन का पहले ही देख लिया है, वापस से मैं दिखा रहा हूं। मतलब सही में इन्फिनिक्स बजट सेगमेंट में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन वाले फोन लाता है, ये तो मानना ही पड़ेगा। जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हैं, बाय द वे ये ग्लास बैग नहीं है, ये प्लास्टिक बैग है। साइड्स आपको यहां पर फ्लैट्स मिलेंगी और बस, और क्या। इसके बाद बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, यहां पर आपको 6.6 इंच का एक HD+ डिस्प्ले मिलता है, लेकिन 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही में आपको यहां पर 180Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा, 480 nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी और पांडा ग्लास का सपोर्ट मिलेगा प्रोटेक्शन में। बस एक ही चीज मुझे थोड़ा सा खटकी, वो है ये, लेकिन चलेगा क्योंकि प्राइस भी तो देखो। अब इसके बाद प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों, यहां पर आपको यूनिसॉक्स T616 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 12 nm का प्रोसेसर है। लेकिन इसका एंटीटो बेंचमार्क स्कोर मुझे काफी पसंद आया, 2,60,000 से भी थोड़ा सा ऊपर है। मतलब कि बजट सेगमेंट के फोन के हिसाब से एक डीसेंट प्रोसेसर आपको यहां पर मिलेगा। और गेमिंग की बात करूं, लो टू मीडियम सेटिंग्स तक आप इस फोन में आराम से गेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद रैम वेरियंट की बात करूं तो 2 RAM variants में फोन अवेलेबल है। यहां पर प्राइस भी बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 664GB इसका बेस वेरिएंट है, 8128GB इसका अपर वेरिएंट है। यहां पर वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलता है। बेस वेरिएंट लीजिएगा तो आपको 3GB तक मतलब वर्चुअल रैम मिलेगा, और अपर वेरिएंट लीजिएगा तो उसके अंदर 5GB तक आपको वर्चुअल रैम दिया जाएगा। इसके साथ LPDDR4X रैम राइट और UFS 2.2 मिलता है इस प्राइस में। कीमत की बात करें तो दोस्तों, बेस वेरिएंट यहां पर 10,000 में लॉन्च किया गया है, लेकिन इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफर में आपको यहां पर 9,909 रुपए में दिया जा रहा है, और अपर वेरिएंट इसका प्राइस है 13,000 रुपए, इंट्रोडक्टरी प्राइस में ये आपको 11,000 में मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो 2 कैमरा है पीछे, बड़ा बड़ा जैसा दिखने में है, 50+ डेप्थ सेंसर, बस भाई ठीक ही है, क्या ही बोले अभी। सामने के साइड में 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करूं, 5000 mAh का बैटरी बैकअप और 18W का चार्जर दिया जाएगा बॉक्स के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, XOS 10.6 मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 12 बेस्ड है। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अपडेट्स के रिगार्डिंग इन्फिनिक्स ने कुछ नहीं बोला है, और इन्फिनिक्स के फोन अपडेट्स के लिए जाने भी नहीं जाते, तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहां पर थोड़े बहुत आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह मिल सकता है, क्या करें भाई, बजट सेगमेंट पे फोन दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है तो इतना तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा आपको, है ना। इसके साथ सेंसर्स की बात करूं, सारे के सारे सेंसर्स मौजूद है, इंक्लूडिंग बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक 3.5 mm हेडफोन जैक, डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको यहां पर दिया जाएगा, और DTS ट्यून्ड आपको यहां पर स्पीकर्स दिया जाएगा। और कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करूं, डुअल 4G वोल्टी, डुअल बैंड वाईफाई, वाईफाई कॉलिंग, ब्लूटूथ 5.0, ये सब कुछ आपको फोन के अंदर मिल जाएगा। बस स्पेसिफिकेशन खत्म। देखिए, एकदम सिंपल और सीधी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर आप 10,000 के अंदर एक ठीक ठाक कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, तो ये फोन शायद आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन भी हो सकता है। बाकी 9,909 रुपए में तो मेरे ख्याल से यहां पर जितने स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं आज के डेट में एनफ है भाई। चलिए बस वीडियो यही तक था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया चुपचाप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या पता नेक्स्ट कोई वीडियो पसंद आ जाए। बाय।